नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। आप में से ज़्यादातर लोगों ने गर्मियों में लगने वाली सब्जियां लगा ली होंगी, और अगर नहीं लगाई हैं तो अब भी गर्मियों की सब्जियां आसानी से लगाई जा सकती हैं। इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आज खास तौर पर बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की है और वो अपने टेरेस गार्डन में, बालकनी में या अपने बगीचे में सब्जियाँ लगाना चाहते हैं। गर्मियों में बहुत सी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती हैं, जैसे तोरी, लौकी, करेला, खीरा, बैंगन आदि। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन सभी को लगाकर आपको अच्छा रिजल्ट भी मिले, क्योंकि इनमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें से सब्जी लेना आसान काम नहीं है। तो एक बिगिनर होने के नाते आपको ऐसी सब्जी सेलेक्ट करनी चाहिए जिसे लगाना आसान हो, जिसमें बीमारियाँ कम लगती हों और जिनमें लगे हुए सभी फूल सब्जी में कन्वर्ट होते हों। और ऐसी सिर्फ एक सब्जी है और वो है भिंडी। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी के बीज के बारे में। भिंडी के बीज आपको सीड स्टोर से मिल सकते हैं, बीज भंडार की दुकान सभी सब्जी मंडियों में होती हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी भिंडी के बीज खरीद सकते हैं। बीजों को आप दो तरह से लगा सकते हैं, या तो आप पहले सीड ट्रे में भिंडी के बीज लगा लें और उसके बाद उसे गमले में ट्रांसप्लांट कर लें, या आप सीधे गमले में भी भिंडी के बीज लगा सकते हैं। तो चलिए पहले ये मेथड को ट्राई कर लेते हैं। सीड ट्रे में भिंडी के बीज लगाने के लिए मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोकोपीट और मिट्टी का मिक्स बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कोकोपीट को सीड ट्रे में फिल कर लेते हैं। अब इसमें एक एक करके बीज रख देते हैं। और अंत में इन्हें ऊपर से कोकोपीट से कवर कर देना है। 5 से 6 दिनों में सभी बीज अंकुरित हो जाएंगे, और 10 से 12 दिनों में जब पौधों में 4 पत्तियां आ जाएंगी उसके बाद पौधों को गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जिसमें आप सीधे गमले में या कंटेनर में बीज लगा सकते हैं। पौधों में 4 से 5 पत्तियां निकल गई हैं, अब इन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। भिंडी के पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहां 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। धूप अधिक होने से भिंडी के पौधों को कोई परेशानी नहीं होती। सब्जियों को खाद की ज्यादा जरूरत होती है, खासकर छत पर जहां पौधे लिमिटेड स्पेस में लगे होते हैं। कम खाद की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक सकती है और भिंडियां भी बहुत कम लगेंगी। इसलिए हर 7 दिन बाद गुड़ाई करके पौधों को गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दें। आप सरसों खली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 100 ग्राम सरसों खली को 10 लीटर पानी में मिक्स कर लें, उसके बाद 4 दिनों के लिए उसे छोड़ दें और फिर पौधों में दे सकते हैं। जब मौसम में लगातार बदलाव होता रहता है तो स्ट्रेस की वजह से भिंडी के छोटे पौधों में ही फूल लगने लगते हैं। अगर आपने उस समय फूलों को लगे रहने दिया तो फूल भिंडी में तो कन्वर्ट होंगे पर पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, जिससे बाद में आपको ज़्यादा भिंडी नहीं मिल पाएगी। इसलिए शुरुआत में भिंडी के पौधों से फूलों को तोड़ लीजिए। पहले पौधे को 12 से 15 इंच का हो जाने दीजिए, उसके बाद पौधे में भरपूर भिंडियाँ लगेंगी। मिलीबग व स्पाइडर माइट्स आमतौर पर भिंडी के पौधों पर अटैक करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप 3G स्प्रे का प्रयोग करें। इसे बनाने के लिए एक हरी मिर्च, 4 लहसुन की कली व अदरक के एक छोटे टुकड़े को एक साथ पीस कर उन्हें 1 लीटर पानी में मिक्स कर लें और फिर छान कर शाम को पौधों पर स्प्रे करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी भिंडी के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।